हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ रेहू फिश की ऐसी करी जिसे हम बिहारी स्टाइल में बनाएंगे। बहुत ही तीखी, बहुत ही चटपटी बनके ये फिश करी तैयार होती है। तो चलिए देर न करते इसकी रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। यहाँ पे हम हाफ के जी फिश का फिश करी बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ एक बड़ा प्याज लेंगे। प्याज को अच्छी तरह से धोने के बाद उसे हम छील लेंगे। क्योंकि अभी का बरसात का मौसम है तो इसमें थोड़ा थोड़ा कालापन होता है, तो इसे हम फिर से एक बार धोना पड़ेगा। तो देखिए ये जो कालापन है तो इसको धो के हम साफ कर देंगे अच्छी तरह से। देखिए धो के हम इसे टुकड़ों में काट लेंगे। टुकड़ों में काटने के बाद हम इसे उबालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर उबाल के बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसको हम कुकर में डाल के दो तीन चम्मच पानी डाल के हम यहाँ पे इसे उबलने के लिए चढ़ा देंगे और एक मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम जीरा, गोल की, सरसों, धनिया की डंठल और धनिया की पत्ती भी लिए हैं, लहसुन लिए हैं और हरी मिर्च लिए हैं। सभी को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। वो जो धनिया की पत्ती और डंठल डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ तीन टेबल स्पून के बराबर हमने पानी डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से फाइन पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने इस मसाला को तैयार कर लिया है। तो एक बोल में हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए मसाला हमने निकाल लिया है। अब ये देखिए फिश को हमने पहले से धो के इसमें हल्दी, मिर्ची पाउडर, नमक अब मिला के छोड़ दिया था। अब यहाँ पे हम इस मसाला को भी दो चम्मच डालेंगे और दो चम्मच डालने के बाद इसे हम मिक्स कर देंगे। किसी बार कारणवश आपको कैमरा में नहीं आ पाया फिश को धोना, वो भी हमने डाला लिया था लेकिन पता नहीं कैसे नहीं आ पाया। तो अब यहाँ पे हम फिश को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमने सरसों का तेल लिया है और इसे हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, बिल्कुल धुआं उठने तक। उसके बाद गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो करेंगे और फिश को डाल देंगे। इस तरह से एक बैच इसमें जितना फिश अटेगा उतना डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब इसे तब तक नहीं पलटेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब इसका कलर जो है चेंज होने लगा है। ये तो बिल्कुल कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसे पलट देंगे, एक एक करके अच्छी तरह से पलटेंगे। इस तरह से पलटने के बाद दूसरे साइड से भी हम इसे लाइट ब्राउन होने देंगे, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए ये अभी स्नैक्स के रूप में ये तैयार हो चुका है। अगर आप स्नैक्स के रूप में इसे खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला और नींबू स्प्रिंकल करके आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। बाकी का फिश भी हम इसी तरह से इसमें तल लेंगे। तो सभी को हम इसमें इस तरह से फैला देंगे और अलट पलट के बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सभी को फैला दिया है और इसे अलट पलट के हमने सभी को फ्राई कर लिया इस तरह से। अब ये जो कढ़ाई में तेल बचा हुआ है इसे हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसे पहले हम साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसका जो ब्लैक ब्लैक जो इसमें आ जाता है मसाला का, वो इसे साफ़ कर लेना ज़रूरी है। अगर आपसे साफ़ नहीं होता है तो आप कढ़ाई चेंज कर ले, तभी फिश करी का कलर अच्छा आएगा, नहीं तो वरना ब्लैक ब्लैक दिखेगा। तो इसे हम साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से। तो हमने इसे साफ़ कर लिया है। अब तेल में हम तीन टेबल स्पून तेल और डालेंगे, टोटल चार टेबल स्पून तेल होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हाफ चम्मच मेथी दाना डालेंगे, साथ में एक तेजपत्ता, एक लाल मिर्च और साथ में दो पिंच हींग डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम यहाँ पे कलौंजी डालेंगे यानी मंगरेला। आप चाहें तो सौंफ भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। जो ये तड़का हम लगाते हैं इसको भी अच्छी तरह से पकना ज़रूरी होता है, तभी ग्रेवी में अच्छा स्वाद आता है। तो ये देखिए अब अच्छी तरह से पक चुका है। प्याज को हमने कुकर में डाला था तो ये उबल चुका है। प्याज को उबाल के ही हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसे हम इसमें डाल देंगे। बिल्कुल पेस्ट जैसा हो जाता है। यदि कभी पेस्ट जैसा ना हो तो थोड़ा सा कलची से उसे मिक्स कर दें। अब इसे 2 मिनट के लिए हम पहले प्याज को अच्छी तरह से पका लेंगे। तो देखिए 2 मिनट प्याज पकने के बाद इसमें हमने जो मसाला तैयार किया था फिश करी के लिए, तो उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम 1 से 2 मिनट पहले पकने देंगे। गैस का फ्लेम हम हाई मीडियम रखेंगे। अब यहाँ पे सूखा मसाला डालेंगे। तो हमने हल्दी पाउडर, एक चम्मच मिर्ची पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से पकने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब यहाँ पे हम 2 टमाटर को कट करके डाल देंगे। धनिया की पत्ती हमने पहले भी डाला हुआ है मसाला में, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर बिल्कुल गल ना जाए और मसाला से तेल छोड़ने ना लगे। यहाँ पे हम नमक स्वादानुसार डालेंगे ना, तो हमने यहाँ पे 1.5 छोटी चम्मच नमक डाला है। आप अपने स्वादानुसार इसे थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए मसाला जो है अच्छी तरह से भून चुका है।
टमाटर आज भी बिल्कुल गल चुका है और तेल भी आप साइड साइड से देख रहे हैं कि तेल भी मसाला छोड़ दिया है, यानी मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब यहाँ पे हम पानी उस ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। तो हमने मिक्सी जार में जिसमें मसाला पीसा था उसी में पानी डाल के इसको डाल दिया है। यहाँ पर 2 कप पानी हम यहाँ यूज़ करेंगे। आप अगर ग्रेवी बहुत गाढ़ा रखना चाहते तो पानी कम यूज़ करें, अगर आप बहुत पतला रखना चाहते तो थोड़ा ज़्यादा रखिए। ये मीडियम थिक रहेगा इसीलिए हमने यहाँ पे 2 कप पानी यूज़ किया है। अब इसे हम उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद हम इसमें मछली डालेंगे। तो पहले इसे अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो है उबाल आ चुका है। तो इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे और अब गैस का फ्लेम हम लो मीडियम कर देंगे और इसमें जितना भी फिश है उसको हम इसमें डाल देंगे। मिथिलांचल स्टाइल फिश करी कैसे बनाना चाहिए या 2 चम्मच तेल में हम मछली कैसे बना सकते हैं, वो हमने अपने चैनल पे उसकी रेसिपी डाली हुई है। यदि आपको देखना है तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये देखिए अब इसमें हमने इसे डाल दिया है। गैस का फ्लेम लो मीडियम ही रहने देंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देंगे। 5 से 7 मिनट ये अच्छी तरह से इसे आप पकने दें। तो देखिए ये जो है बिल्कुल पक चुका है अच्छी तरह से। 5 से 7 मिनट हो चुका है। तो गैस को हमने ऑफ कर दिया। अब उस पर से थोड़ी सी हरी कटी हुई धनिया पत्ती से डाल देंगे। तो देखिए फिश करी बिल्कुल तैयार है। पसंद आता है तो लाइक करें, अब सोशल मीडिया और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़रूर शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आने वाले बेल आइकन की घंटी को आप जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।